हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन दबा देना। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, जाओ और फॉलो करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज का गाना है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की इतनी डिमांड पर, मुझे लगा ठीक है 34-36 seconds का गाना है, लंबा बेशक है पर इस पर रिएक्शन वीडियो बन जाना चाहिए, तो मैं ये 24-36 seconds का गाना जरूर सुनूंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सुनूंगी। और क्योंकि मुझे बब्बू मान जी के गानों का जो म्यूजिक है, उनके लिरिक्स, उनकी हर चीज काफी ज्यादा पसंद आती है, तो रिएक्शन बनता है, क्या कहते हो, है ना। तो सुनते हैं ये गाना एंड देखते हैं कि कैसा होने वाला है रिएक्शन। और मैं एकदम रेडी हूँ इस गाने को सुनने के लिए। एक नोट, एक वार्निंग, अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी ठक ठक की आवाज, कहीं पे भी बच्चों के खेलने की आवाज सुनाई दे तो मैं पहले से ही आपसे माफी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा कोई बस नहीं चलता उस चीज में। मेरा बस चलता है तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रिएक्शंस परोसने में, राइट। तो चलाते हैं गाना, देखते कैसे होने वाले रिएक्शन। स्टार्ट। उठ शेर पंजाबी आयो ए, आ जा कर दे तर्क शराबा। उठ शेर पंजाबी आयो ए, आ जा कर दे तर्क शराबा। उठ शेर पंजाबी आयो ए, आ जा कर दे तर्क शराबा। ये इंस्ट्रूमेंट बड़ी बार में पूछा करती थी रिएक्शंस में, तो मुझे पता चल गया इस इंस्ट्रूमेंट को अलगोजे कहते हैं, है ना। म्यूजिक मैं कलम बंदूक।
एकदम
देखो छड़े शबाबा तू वारस नलुए दा शेर दिया फड़के पार दे जाबा तू वारस
34 मिनट्स 36 सेकंड्स बर्बाद नहीं गए हैं, यूटिलाइज हुए हैं। ये मैं हर उस कंटेंट में बोलूंगी बात, जिस भी कंटेंट में मुझे लगेगा कि वाओ। एक गाना था लवली नूर और रंजीत बाबा जी का, किन्ने आए किन्ने गए, उसमें मैंने ये बात बोली थी। और जो लंबा कंटेंट होता ना, लोग उसको पहले देख, मुझे भी ऐसा हो गया था, मैंने भी वीडियो डाला था, मुझे अच्छा 24 मिनट 30 सेकंड्स का गाना है तो आप लोग तो नहीं देखोगे। बट जैसे ही मैंने वो वीडियो डाला जो मैंने आपसे पूछा था कि मैं कैसे करूं, तो आप लोगों ने उसमें एकदम लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं पूरा करो पार्ट्स में करो, जैसे भी करो लेकिन करो। तो मैंने बोला यार कुछ तो मतलब है इस गाने में सुनते। और मुझे बब्बू मान जी का ही एक फैन पेज है, उनका मैसेज आया, उन्होंने मुझे बोला कि दिस इज लाइक अ बुक, द सॉन्ग इज लाइक अ बुक, आप बोर नहीं होगे। मैं बोर होने के उससे वैसे मैं गाने हमेशा एंजॉय करती हूँ, लिरिक्स हमेशा एंजॉय ही करती हूँ, म्यूजिक भी एंजॉय ही करती हूँ, बोर तो मैं होती नहीं हूँ कभी। बट ये गाना सच में एक किताब की तरह था, वैसी वाली किताब भी नहीं जिसमें चैप्टर्स चल रहे, एक पोएटिक किताब थी। मतलब एक बहुत ही म्यूजिक के साथ जिस तरीके से हमें कविता सुनाई जा रही थी, इतनी प्यारी, इतना मजा आ रहा था सुन, कितनी बढ़िया बातें। एंड क्योंकि मैंने आपसे बीच में पूछा था कि आप अपना कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी लाइन सबसे बढ़िया लगी, तो आप अब तक तो लिख चुके होगे वैसे, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मुझे कौन सी लाइन सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। जो इस गाने में बात की गई थी ना कि एक तो वो लाइन थी कि बच्चों को भी अकल सिखाई जाएगी, कुछ ऐसी बातें करते हैं, एक तो वो वाली लाइन मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। दूसरा गुलाब वाली बात आई थी इसमें कि गुलाब किसी भी रुत में हो छोड़ता तो महक ही है, वो वाली लाइन थी। और मतलब इसमें बहुत सारी लाइन्स, मतलब मेरे को ऐसे अभी गाना खत्म हो चुका है, इसे बार बार सुनेंगे तो ध्यान में रहता है, पर मैं अभी जो मेरे दिमाग में एकदम है वो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत लिरिक्स थे जो मुझे पसंद आ रहे थे, बहुत पार्ट्स ऐसे थे। वैसे तो पूरा गाना इस गजब, पर इस गाने में कुछ पार्ट्स ऐसे थे जैसे अरे वाव ऐसा हो रहा था। एक और लाइन थी जैसे मेरे शब्द बारूद जैसे है और मेरी कलम जो है वो बंदूक है, वाव, वो भी एक लाइन मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी। और सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट, गला खराब है थोड़ा कॉपरेट कर लेना, सबसे ज्यादा बेस्ट पार्ट जो मेरा था, सबसे बेस्ट वो थी इसकी एंडिंग, पंजाब को नजर लग गई है उसपे से मिर्चे वारो, आय हाय क्या लिखा और कैसे गा दिया, मतलब मजा आ गया सुन के। बहुत अच्छा गाना था, पूरा गाना बहुत अच्छा था, सच में गाना ऐसा नहीं है, देख के आपको जरूर लगेगा 24 मिनट 30 सेकंड सुन लो क्या, बट सुन लो, जाओ बार बार सुन लो उस गाने को, क्योंकि बीइंग अ पंजाबी आपको प्राउड हो जाएगा वो सुन के दैट हम वारिस है नलवे के। वाओ, हरी सिंह नलवा जी की जो कहानी है वो मैंने सुन ली थी, मैंने उनकी बायोग्राफी देखी थी, वहां पे काबुल कंधार की बात की गई थी, वहां पे उनकी बहुत सारी चीजें, जो एक बात थी कि वो बचपन में ही उन्होंने जब वो महाराजा रंजीत सिंह जी के साथ में थे तब वहां पे उनके साथ गए थे तो उन्होंने शेर के दूध फाड़ कर दिए थे, तो बार बार इसके सिग्नेचर लाइन में वो आ रहा था कि सिवारिस नलवे दे शेर दिया रख दे फाड़ के जाबा जिहाबा और जाबा ऐसे कुछ करके था, तो वो लाइन वहां से मेन जो थी पिक की हुई थी। मजा आ गया गाना सुन के यार, हैट्स ऑफ है भगवान जी आपको, इतना बड़ा लिखने वाले को हिम्मत चाहिए, इतना बड़ा गाने वाले को हिम्मत चाहिए, और साथ इतने बड़े गाने को म्यूजिक के साथ किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए उसकी हिम्मत चाहिए, तो एकदम लाजवाब हिम्मत है आप में। भगवान करे मुझे कभी मौका मिले तो मैं आपसे मिलूं, एंड जबरदस्त, बहुत 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 बढ़िया, बहुत बिंदास, एकदम दिल को छूने वाला गाना था, काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो आप लोगों को रिएक्शन कैसा लगा, अब आप खुश हो ना, अब आपको अच्छा लग रहा है ना, तो यस, कैसा लगा आपको मेरा रिएक्शन बताना कमेंट्स में जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, हिट द बेल आइकन, ऑल्सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना।